हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना, लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया एल्विश यादव समझाना चाहते हैं अभिषेक को कोई बातें, और इशारों इशारों में वो हिंट भी दे रहे हैं, लेकिन अभिषेक समझ नहीं रहे या अनजान बन रहे हैं या सोच रहे हैं कि एल्विश कोई गेम तो नहीं खेल रहा मेरे साथ। ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है आज के लाइव फिट के अंदर, जहाँ पे बहुत समीकरण बदलते दिख रहे हैं, जहाँ पे एल्विश के साथ बेबिका पूजा भट्ट लगातार एक फ्रेम में दिख रही हैं, वहीं दूरी बनाते दिख रहे हैं अभिषेक के, भैया अगर आप इनके साथ बैठोगे तो मुझे थोड़ा सा अपने ग्रुप में जाना पड़ेगा। वहीं अब ये भी देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे बेबिका और एल्विश यादव अपना बॉन्ड और अपनी जो बातें शेयर कर रहे हैं, फन मोमेंट उनका दिख रहा है, तो काफ़ी एंटरटेनमेंट निकलता हुआ उनमें से दिख रहा है, लेकिन जब वो ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं एल्विश यादव, जहाँ पे फलकनाज और जिया और यहाँ पे अगर अविनाश बैठा हो तो थोड़ा सा उन तीनों खिलाड़ियों को प्रॉब्लम होती है। कुछ बाहर की बातें बताने की भी कोशिश करी थी कि आपके भाई ने, भाई अभिषेक भाई टीगर इंसान ने रोस्ट किया और इस पर ज़्यादा किया है, तो जैसे ही इस पर ज़्यादा किया फलकनाज समझ गई कि उनकी तरफ इशारा हो रहा है तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, कहा कि बाहर की बातें यहाँ मत करो, बाहर जो चल रहा है चलने दो, तो ये भी समझाने की कोशिश करी। और घर के अंदर लगातार एक रोस्टिंग की बहुत बातें होती है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मतलब एक कहते हैं कि एक ऐसा हस्त्र मिला हुआ लोगों को कि लोग कुछ भी कहेंगे तो बाहर जाकर रोस्टिंग उनकी अच्छी खासी होने वाली है। तो यहाँ पर इशारों में बिल्कुल एल्विश यादव समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो तुम्हारे दोस्त है वो दोस्त नहीं है, जो दुश्मन है वो दोस्त जरूर दिखते हैं। तो यहाँ पे परखने की कोशिश करिए, एक देसी बंदा देसी ठाट बाट छोड़ के कहीं ना कहीं उस घर में भी बिल्कुल एक रियल पर्सनालिटी के तहत दिख रहा है एल्विश यादव, तो वो पहचान चुका है घर के अंदर कौन रियल है। तो वहाँ पर उन्हें बेबिका अच्छी लग रही है और ये बताया भी कि अभिषेक को भाई बेबिका की गेम रियल और वो सच्ची है, लेकिन जो फलकनाज जिया और जो अविनाश तेरे साथ बैठे कहीं ना कहीं ये खाली एक फैंडम तौर पर और कहीं ना कहीं चाटुकृत्य तौर पर आपके साथ ऐड हुए हैं, बाकी इनकी गेम रियल नहीं है, थोड़ा बच के रहें। तो ये चीज समझाने की कोशिश कर दी है और कहा है कि भाई घर में ही नहीं घर के बाहर भी कितना सपोर्ट किया है वो तुम देखना घर से जब बाहर निकलोगे। तो इशारों में ये चीजें तो थोड़ी सी समझ आ रही है, क्या ऐसा तो नहीं कि एल्विश यादव कंटेस्टेंट है या कुछ दिन बिताने आए हैं, क्योंकि वो जो बार बार हिंट दे रहे हैं तो ऐसा एक सवाल या निशान खड़ा होता है क्वेश्चन मार्क के, यार ये कुछ दिन बाद चले तो नहीं जाएंगे या वीकेंड के बारे में सलमान सर आने से पहले निकल तो नहीं जाएंगे, तो ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है कि कुछ हिंट वो दे रहे हैं, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समीकरण थोड़ी सी गेम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप अभिषेक समझ पाए और थोड़ा सा क्लियर हो पाए उनकी तक बात कि भैया जो दोस्त है वो दोस्त नहीं है। वहीं जब वो तीनों बैठे रहते हैं और एल्विश यादव ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं तो फलकनाज और जिया और अविनाश को प्रॉब्लम हो रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी दिख रही है कि वो खुश नहीं है एल्विश के साथ बैठ के, लेकिन भाई पूजा भट्ट और बेबिका के पास जब एल्विश जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती बड़ी बातें करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, तो ये चीज़ भी दिख रही है। इसी तहत एल्विश को थोड़ा एहसास हो गया है कि घर में जो बाहर दिख रहा था घर के अंदर तो कुछ और ही है, जो बाहर कैमरे से दुश्मन दिख रहे हैं जो एक नेरेटिव सेट हुआ है वो घर के अंदर तो बहुत रियल है, और जो दोस्त बने हुए अभिषेक के जो बाहर दोस्त दिख रहे हैं लेकिन घर के अंदर तो वो फेक है, तो ये भी एक नई गेम स्टार्ट हो चुकी है, अगर वो समझ जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इशारों में बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है। तो प्लीज नेक्स्ट अपडेट लेके आते हैं, घर में कुछ लोग कुछ सेलिब्रिटी जा रहे हैं इन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो उस पर हम आप नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, और खतरों के खिलाड़ी स्टार्ट होने वाला उस पर हमारा रिव्यू होगा 100% होगा, तो उसके लिए भी आप जुड़े रहना, एपिसोड के बाद हम खतरों के खिलाड़ी पे भी बात करेंगे। लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब कर दे अनवर अंग्रेज यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, प्लीज प्यार बनाए रखें और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें।